आज इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को भी किस तरीके से बौद्ध समाज के लिए एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं और एक और खास मेहमान पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विवेक काटजू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी में मौजूद हैं, लेकिन उनके दौरे की जिस तरीके से शुरुआत हुई, सबसे पहले उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, चीन द्वारा बनाए गए उस हवाई अड्डे पर ना उतरकर एक दूसरे हेलीपैड पर उनका विमान उतरता है, ये किस तरह का मैसेज और कैसे आप इसे देख रहे हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश नेपाल को प्रधानमंत्री ने भेजा है। प्रधानमंत्री ने ये संकेत नेपाल की सरकार को और नेपाल की जनता को दिया है कि वो चीन से अपने संबंध जितने भी गहरे कर लें, वो भारत के साथ जो नेपाल के संबंध हैं, उनको वो रिप्लेस नहीं कर सकते। वो हमारे जो संबंध हैं वो अलग लेवल पर है। उनकी जो एक घनिष्ठता है, जो नेपाल के हित भारत के साथ जुड़े हैं, भारत के हित नेपाल के साथ जुड़े हैं, वो चीन वो बहुत ज्यादा है चीन की तुलना में। लेकिन हमेशा से एक तबका रहा है नेपाली राजनीति में जो कोशिश करता रहता है कि एक खेल खेला जाए भारत और चीन को आपस में एक किस्म से लड़ाया तो नहीं जाए, उसमें कंपटीशन की जाए कि नेपाल का फायदा हो। प्रधानमंत्री ने संकेत ये दे दिया कि हम इस खेल को नहीं खेलना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे जो संबंध नेपाल के साथ हैं वो अलग रास्ते पे चलें, वो अब इंडिविजुअल रास्ते पे चलें और हमें किसी से वहां कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है वो कायम रहना चाहिए, हमारे हितों को नेपाल को समझना चाहिए जैसे हम नेपाल के हितों को समझते। जी विवेक काटजू जी, 2015 में जब लिपुलेख का मामला हुआ, उसके बाद से नेपाल और भारत के संबंध में एक नए खटास का दौर शुरू हुआ। अब ये यात्रा, पहले शेर बहादुर देउबा की यात्रा और उसके एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री की यात्रा और एक तरह से लुम्बिनी से इसकी शुरुआत, शांति का बड़ा संदेश। संदेश ये दिया जा रहा है कि देखिए जो भी पहले हुआ, आपने सही कहा शब्द, आपने सही अब इस्तेमाल किया खटास, वो दौर अब बीत गए, अब हम आगे देखना चाहते हैं और आगे कोऑपरेशन को सहयोग का रास्ता अपनाना चाहते हैं और भारत और नेपाल के सहयोग से बहुत सारे क्षेत्र हैं, ऊर्जा का क्षेत्र है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्षेत्र खास तौर से है, इसमें दोनों देशों को लाभ हो। तो ये और जो बुद्ध धर्म की एक विरासत नेपाल की भी है, भारत की भी है, ये एक हमें जोड़ सकती है। तो ये संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं और मैं समझता हूं ठीक संदेश दे रहे हैं, लेकिन एक शब्द में जोड़ दूं, क्या इससे वो तबका नेपाल में जो कि ये कंपटीशन का खेल खेलता है इंडिया और चाइना का, क्या इससे वो रुक जाएगा, ये आगे हमें देखना। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप विवेक काटजू जी, हम आपके पास आगे भी आएंगे और विस्तार से इस पहलू पर भी बात करेंगे, इसके मायने और इसका महत्व क्या हो जाता है। तो लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी है। ABP News, आपको रखे आगे।